गुड मॉर्निंग, एक बार फिर से नए वीडियो में वेलकम है। जैसा कि आप जानते हो कि CISF CRPF SCM और ऐसा ही स्टेनोग्राफर के लिए तो भर्ती निकली थी, तो उसमें काफ़ी स्टूडेंट हो गए। जो पिछली वीडियो डाली थी उसमें कमेंट आ रहे थे कि भाई प्रेफरेंस जो है कौन सी डाले। सबसे पहले जो प्रेफरेंस है हम CISF को दे या फिर BSF को दे या फिर CRPF को या फिर SSB को, जो भी है कौन सी प्रेफरेंस दे, उसमें सबसे ज़्यादा डाउट आ रहे थे सभी भाइयों के। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रेफरेंस के बारे में और एग्जाम का जो लेवल है क्या रहने वाला है। तो हमारे साथ हमारे सर भी बैठे हैं यहाँ पर, तो हम साथ में मिलकर बताएंगे आपको कि भाई कौन सा प्रेफरेंस आपको सबसे पहले देना है और जो एग्जाम का लेवल क्या रहने वाला है। तो भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है ये वीडियो उन भाइयों के लिए जो एग्जाम की तैयारी करने वाले हैं आगे। तो भाई जैसा कि आप जानते हो कि भाई फॉरम स्टार्ट हो गए 9 तारीख से और फॉरम जो है अगली कौन सी डेट तक चलने वाले, 8 जुलाई तक। हाँ 8 जुलाई तक, लगभग 1 महीने तक फॉरम चलने वाले हैं। सर बताइए कि भाई कैसे कौन सी प्रेफरेंस जो है सबसे पहले देनी चाहिए साथियों को अपने। सबसे पहले जय हिंद दोस्तों, मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, डाउट आ रहे थे यही लोगों के कि चॉइस कौन सी डाली जाए, प्रेफरेंस कौन सी डाली जाए, CISF बेस्ट है, CRPF बेस्ट है या BSF बेस्ट है या ITBP। एक ही बात कहना चाहूँगा, कोर्स कोई भी हो सभी बेस्ट हैं, ये इंडिविजुअली डिपेंड करती है अपने अपने। अगर मैं नॉर्थ ईस्ट स्टेट से हूँ तो कोई डाउट नहीं है, मैं असम राइफल और ITBP को प्रेफरेंस दूंगा। असम राइफल बेस्ट है नॉर्थ ईस्ट वाले बंदों के लिए, लेकिन अगर मैं नॉर्थ का हूँ तो जाहिर सी बात है कि CISF BSF भी बेस्ट है, क्योंकि CISF हम सबसे पहले उठाएंगे एक एक कोर्स की खासियत, तो क्यों प्रेफरेंस दिया जाए। सबसे पहले मैं CISF को बताता हूँ। CISF इसलिए बेस्ट है क्योंकि आपकी फैमिली लाइफ बहुत ठीक है, 95% केसेज में आपको फैमिली के लिए क्वार्टर मिलेगा कहीं भी यूनिट हो। हाँ बिल्कुल, केवल 5% केसेज में हमारी रेयर यूनिट है जो भी हैं वहाँ पर आपको क्वार्टर्स नहीं मिलेंगे, लेकिन 95% केसेज में आपको फैमिली क्वार्टर्स मिलेंगे। बट एक कोर्स भी है CISF का सभी फोर्सेज के अलावा, इसमें 45 डेज की लीव है, 35 ELL है और 15 डेज CL है, और बाकी फोर्सेज में 16+15 है। ऐसे करके ये कूंस भी है, एक छुट्टी कम है CISF में, लेकिन CISF 13 महीने की सैलरी पे करती है, ये भी आप लोगों को पता होगा। हाँ ये भी आपको प्लस पॉइंट है भाई, CISF जो है 13 महीने की 13 मंथ्स की जो है सैलरी प्रोवाइड करती है हम सभी भाई। और उसके बाद मैं बात करूँगा BSF क्यों प्रेफरेंस करना चाहिए जिन लोगों को नॉर्थ में ही रहना है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा BSF का काम है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जैसे राजस्थान में, पंजाब में, J&K में हमारा बॉर्डर लगा हुआ है, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है। तो BSF केसेज में नॉर्थ इंडिया में ही रहेगी, जो नॉर्थ वाले बंदे हैं वो BSF चॉइस कर सकते हैं, BSF भी बहुत अच्छी फोर्स है। और SCM के लिए कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी हो, BSF हो चाहे CRPF हो। और CRPF तीसरे नंबर पर मैं CRPF को बताना चाहूँगा कि CRPF भी अपने आप में बेस्ट फोर्स है। यहाँ पर अगर आपको एडवेंचर फील करना है, एडवेंचर्स है लाइफ में, तो CRPF भी बेस्ट है, अच्छी अच्छी जगह पर पोस्टिंग है, कहीं भी छत्तीसगढ़ में भी एडवेंचर है लाइफ, एडवेंचर है बहुत अच्छी जगह। लोग बोलते हैं कि भाई CRPF के नाम से कि भाई ऐसी ऐसी जगह पर मतलब जंगल में पोस्टिंग होगी इनकी, ये तो बहुत खतरनाक है, वो जी है वो ऐसा कुछ नहीं है। CRPF में देयर इज नो डाउट, अलाउंस जितने बेहतरीन है आप खुद फील करोगे, और एडवेंचर है लाइफ में, CRPF भी बेस्ट है अपने आप में। और जो मेरे भाई असम राइफल को चूज करना चाहते हैं, जो भी नॉर्थ ईस्ट वाले बंदे हैं वो असम राइफल को ही चूज करें, क्योंकि आपकी पोस्टिंग उधर ही रहेगी, इसीलिए बेस्ट है। इसीलिए मैं असम राइफल के लिए भी बोलना चाहूँगा, चौथे नंबर पर उसे रख सकते हैं आप। बिल्कुल सर। और उसके बाद ITBP भी बचा हमारा, वो तिब्बत बॉर्डर पर रहेगा, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस है आप सभी को पता है, उसके बाद आप उसे कर सकते हैं। SSB की कम वेकेंसी है, आपको पता है पीसफुल बॉर्डर पे हमारी SSB, इंडो नेपाल एंड इंडो भूटान बॉर्डर पे, आप सभी को पता है ये चीज, तो SSB एकदम पीसफुल लाइफ है SSB में भी, उसको भी प्रिपेयर कर सकते हो CISF के बाद, ये भी बेस्ट रहेगी। और एग्जाम लेवल की बात करूँ मैं, हम लोगों ने एग्जाम दिया है उसका, ज़्यादा कुछ हाई नहीं है, अभी से आप तैयारी करोगे तो 3-4 महीने में बड़े आराम से निकल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है CAPF SCM क्लियर करना, 3-4 महीने में बड़ी आसानी से कर सकते हो। और इसका जो एग्ज़ाम है जो BSF भी कंडक्ट कराने वाला है, तो BSF का एग्ज़ाम हमने पिछली बार भी दिया था, इन सर ने भी दिया था, मैंने भी दिया था, तो BSF का जो लेवल है एग्ज़ाम का जो मतलब मैथ रीजनिंग सबको पता है भाई, मैथ रीजनिंग तो अपन सब सभी पढ़ते हैं, उसमें एक प्लस पॉइंट ये है कि इसमें क्या GK नहीं है, सभी भाइयों का होता है ना, GK का भी सेक्शन होता है भाई, सभी को
किसी भाइयों की जीके अच्छी होती है, किसी की नहीं होती, लेकिन ज्यादातर क्या जीके में क्या पॉइंट रहता है कि भाई वीक होती है ज्यादातर जीके, और उसमें क्या प्लस पॉइंट यही है कि जीके इसमें नहीं है, इसमें एक सब्जेक्ट है क्लेरिकल एप्टीट्यूड सब्जेक्ट है एक, और कंप्यूटर सेक्शन लोग बोलते हैं, कंप्यूटर सेक्शन इसमें सीजीएल से भी अपर लेवल का है। बट मैं ये भी बताना चाहूंगा, ऑप्शन एलिमिनेशन से करोगे ना कंप्यूटर, देयर इज नो डाउट कंप्यूटर बहुत अच्छे लेवल का आया था बीएसएफएससीएम में लास्ट टाइम जब हम अपीयर हुए थे। बट मैं यही कहना चाहूंगा, अगर आप ऑप्शन से एलिमिनेशन करोगे तो बहुत ईजिली कर सकते हो। मेरे 14-15 क्वेश्चन ठीक थे, मैंने ऑप्शन एलिमिनेशन से ही किया था, ज्यादा कुछ मुझसे भी नहीं आ रहा था उसमें, लेकिन ऑप्शन एलिमिनेशन से मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था उसमें। आप भी कर सकते हो ऑप्शन एलिमिनेशन, और बेसिक नॉलेज आनी चाहिए कंप्यूटर की, वो आप जब ज्वाइन करोगे तो वो भी मैंडेटरी है। हाँ, अगर आप अभी से ही कंप्यूटर चीजें पढ़ना लिखना चालू कर देगा तो एसीएम में ऐसी चीजें तो कंप्यूटर का ही काम होता है, वो आगे भी काम आएगी, इसलिए भाई अभी से ही पढ़ना स्टार्ट कर दोगे तो तब तक आपकी जो है अच्छी कंप्यूटर हो जाएंगी। तो कंप्यूटर का लेवल थोड़ा सा रहता है हाई इसमें, क्योंकि लेवल की आती है कंप्यूटर, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट मैथ रीजनिंग और ये जो हिंदी है ये तो सबकी क्लियर रहती है, लेकिन क्लरिकल एप्टीट्यूड है और कंप्यूटर है ना तो थोड़ा हाई लेवल का आता है इसमें, तो इसलिए थोड़ा सा भाई अभी से ही जो है थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, तो तब तक क्या आपकी कंप्यूटर है जो भी आपकी सब्जेक्ट है सारी क्लियर हो जाएंगी धीरे धीरे। तो ऐसा कोई वो नहीं है खास इसमें ज़्यादा, मतलब बी एस एफ भी कंडक्ट कराएगी इसका, और जिसमें जो नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है ना, नेगेटिव है लास्ट बार तो नहीं थी, लास्ट टाइम क्या बी एस एफ में नेगेटिव नहीं थी, इस बार शायद 1-4 नेगेटिव है, तो इसलिए भाई थोड़ा सा नेगेटिव का भी ध्यान रखें, और इस बार वैकेंसी ठीक ठाक है, लास्ट टाइम वैकेंसी भी बहुत कम थी, और एयर फोर्स में वैकेंसी बहुत ज्यादा, सीआईएसएफ में तो सबसे ज्यादा वैकेंसी। बड़ी बात है आपके लिए प्लस पॉइंट यही है, मैं बोलना चाहूंगा सबसे बेस्ट फोर्स है सीआईएसएफ, सीआईएसएफ में ही सबसे ज्यादा वैकेंसी है, तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी भाई सीएपीएफ ज्वाइन करने के लिए, जिस भाई का सपना है भाई, अच्छे अच्छे भाइयों का सपना होता है सीएपीएफ ज्वाइन करने के लिए, भाई आपके लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, और बहुत ज्यादा वैकेंसी है इस बार, क्या सबसे ज्यादा वैकेंसी आई है, और इस बार पैटर्न भी बहुत ज्यादा चेंज कर दिया गया है। सबसे बड़ी बात है जो भाई मेरे बेरोजगार हैं उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी, आपको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, इसके बाद आप आगे बढ़ सकते हो भाई, ऐसे भी वैकेंसी इसमें ज्यादा काम भी नहीं होता, 8 घंटे की ड्यूटी के बाद अपना पढ़ाई का टाइम, और जिन बात वो भाई कमेंट कर रहे थे ना कि भाई इसमें फोर्स में ज्वाइन होने के बाद में पढ़ाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो भाई इसमें पढ़ाई का फुल टाइम मिलेगा, सारी रात भर पढ़ाई कर सकते हो आप 8 घंटे की ड्यूटी के बाद, इसमें ये नहीं है कि भाई 10-10 बार 12 घंटे की ड्यूटी करें या फिर रात नाइट ड्यूटी, बिल्कुल ऑफिस ड्यूटी होती है, नाइट शिफ्ट बिल्कुल भी नहीं है, आप घर में बैठकर अपनी फैमिली के साथ अपने क्वार्टर में पढ़ाई कर सकते हो आराम से। और भी कोई डाउट हो, आपके कोई भी मैम क्वेश्चन चल रहा हो तो आप टेलीग्राम ज्वाइन करके वहाँ पर बता सकते हो या फिर कमेंट में बता सकते हो, आपका जो भी कमेंट होगा हम आपको उसमें जो है रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। पहले पीईटी या पीईटी को भी लाइटली नहीं लेना है, हाँ, शिक्षा ये और है एग्जाम से पहले अपना जो फिजिकल ही है रनिंग में 7.5 मिनट की 1600 मीटर की जो रनिंग है वो भी इम्पोर्टेंट है, कंटिन्यूस करते रहना है, क्या अभी से स्टार्ट कर देंगे ना थोड़ा थोड़ा रनिंग करना स्टार्ट कर देंगे तो धीरे धीरे हो जाएगा वो भी, इसलिए भाई फिजिकल पर भी बहुत ध्यान दीजिए, वो भी इम्पोर्टेंट है, उसके बाद एग्जाम होगा, और मेडिकल के बारे में ज़्यादा ना सोचे भाई, मेडिकल क्या सबसे आखिरी पॉइंट होता है, मैं जो पूछ रहे थे भाई मेरा ऑपरेशन हुआ था मेरा आंखों में दिक्कत है, तो भाई मैं ज़्यादा नहीं सोचे, वो भी फिजिकल और अपनी एग्जाम पर फोकस करें सबसे ज़्यादा, इम्पोर्टेंट तो दो ही चीज़ है बस, मेडिकल बाद की बात है वो आगे बता देंगे, गहराई में नहीं होता इतना टफ भी नहीं होता मेडिकल। तो भाई जैसे कोई नई न्यूज़ मिलती है हम आपको बताने की पूरी कोशिश करेंगे, तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद भाई सभी को, जय हिंद सर।